स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। तो भाई अभी मैं हूँ चेन्नई में तमिलनाडु एंड 4 साल बाद आई हूँ मैं ऑलमोस्ट। और आज यार हमारी फ़्लाइट है श्रीलंका की तरफ की। और इस बार यार मैं कोलंबो में लैंड नहीं हो रही हूँ। पिछली बार मेरे को नहीं पता था कि जैफना की भी डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है, तो इस बार भाई चेन्नई टू जैफना हम डायरेक्ट फ्लाई कर रहे हैं। अलायंस एयर के साथ इनकी फ़्लाइट चलती है और 1 घंटे की है फ़्लाइट, तकरीबन ज़्यादा नहीं है। तो चले भाई ये वीडियो शुरू करते हैं। और मेरा जैफना वापस जाने का बहुत मन था, चाहे दूसरे एरिया में मैं जाऊं या ना जाऊं श्रीलंका के। तो फाइनली 4 साल बाद दोबारा श्रीलंका जा रहे हैं, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। सही, आई मेक वीडियो विद यू, इज ओके। सो नमस्कारम, हेलो हेलो, नमस्कारम। या व्हाट्स योर नेम? बालमुरुगन। एंड यू आर फ्रॉम तमिलनाडु, विच प्लेस? कन्याकुमारी। ओके, इन चेन्नई हाउ मेनी इयर्स? 6 इयर्स। ओके नाइस, थैंक यू मैडम। सही भाई ये वीडियो शुरू करते हैं। और एयरपोर्ट पहुंचे सबसे पहले, तो स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। तो यार ये एयरपोर्ट पहुंचे हैं हम भाई चेन्नई का। एंड सुबह यार अलायंस एयर वालों का ना मैसेज आ गया था फ़ोन पे कि आपको टर्मिनल 2 पे आना है। एंड यहाँ पे इन्होंने भाई बोर्ड भी लगा रखा है, अलायंस एयर विल ऑपरेट फ्रॉम टर्मिनल 2, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। तो चले भाई चलते हैं और चेक इन करते हैं एंड देखते हैं जाके भाई श्रीलंका का क्या मौसम है, क्या चेंजेस आए वहाँ पर। तो सही, मैं कैमरा बंद करूँ यार। ये हमारे 2 बैग हैं भाई इधर, एंड सामने यहाँ पे चेक इन चल रही है। तो गजब जनाब यार, पुराने बैग मेरे गए फट चुके थे बिल्कुल, उनके ना चिथड़े उड़ गए थे। तो फाइनली भाई नवे बैग खरीदे हैं मैंने इस ट्रिप में, तो सही। और ये मेरा दूसरी बार है शायद चेन्नई एयरपोर्ट पे। इधर यार ये नवा टर्मिनल बना है, टर्मिनल 2, मतलब इनोग्रेशन नवी हुई है ऐसा सुना है मैंने। या तो भाई यार इधर बोर्डिंग चल रही है फ्लाइट की, एंड जैसा मैंने आप लोगों को बताया भाई अलायंस एयर है। तो वो रहा भाई बैग मेरा फिलहाल। एंड यार चेन्नई का एयरपोर्ट भाई बड़ा ठंडा है, तेज ऐसे ही चला रखे हैं इधर, लेकिन बाहर गर्मी है। तो भाई यार सिक्योरिटी वगैरह हो गई है एंड अब हम चल रहे हैं जैफना की तरफ। मतलब फ़्लाइट अभी फ़्लाइट तक पहुंचे नहीं है। और यार मेरे से रिटर्न टिकट मांगी, तो इंडिया में आपको जब भी एग्ज़िट करना होता है बहुत स्ट्रांगली रिटर्न टिकट मांगते हैं। और एक दुबई में भी, अफ्रीका में तो कभी कभार काम चल जाता है बट यहाँ पर नहीं। तो मैंने फिर यार कतार एयरवेज़ की वेबसाइट से होल्ड पर बुक करी अपनी रिटर्न टिकट, $10 लगे, 800 रुपये। तो सही। एंड मैंने फिर कोलंबो से यार दोहा तक की बुक कर ली थी, स्यापा ख़त्म हुआ। और अब यार 118 गेट की तरफ जाना है हमें। तो भाई यार सुबह कैब लेनी पड़ी थी 7 बजे, और उस टाइम सारी दुकानें सब कुछ बंद था, तो खाना वगैरह मैंने तब नहीं खाया था। तो अभी मैं यार लॉन्च में आ रखी हूँ इधर। एंड ये भाई इडली मिली है हमें, और ये कोई हलवा है यार, आम का बोल रहे हैं, शायद आम सूजी का होगा, ठीक है, लेकिन मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ है। बट यार फिलहाल इडली खा के पेट में रहें। फ्लाइट के लिए अभी भी 40 मिनट हैं। ये रहा भाई यहाँ पे लिखा है 108 से 124। मैं ये सोच रही हूँ यार इतने गेट बन रखे हैं, इतनी फ्लाइटें यहाँ पे चलती भी हैं कि नहीं, आई डाउट। लेकिन भाई गेट बहुत हैं इधर चेन्नई के एयरपोर्ट पे भी। एंड यार यहाँ पे मैंने यार इथियोपियन एयरलाइन भी देखी, शायद यहाँ से एडिस अबाबा जाती होगी, चेक करना पड़ेगा। लेकिन एयरपोर्ट पर इथियोपियन एयरलाइन भी थी, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जहाज़ है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है देख के कि ये डोमेस्टिक है, बट नहीं भाई इंटरनेशनल है। लेकिन फ़्लाइट भी कम ही है, 1 घंटे की है, तो बहुत छोटा है यार वैसे जहाज़।
और एयर इंडिया एयर और भाई एयर इंडिया और एयर अलाइंस ये गवर्नमेंट का ही है तो यार मैंने इनसे पूछा है कह रहे कि भाई स्टिल अभी भी गवर्नमेंट के अंडर ही है ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ही है ये फ्लाइट भी एंड ये भाई चेन्नई से जाफना जाएगी तो ये है भाई एयरक्राफ्ट बारिश आया ना अच्छा हाँ मुश्किल है कैमरा गलत हो गया चैनल का नाम क्या आप गरिमा ट्रैवल वीडियोस लिखोगे तो आएगा ओ मैं तमिल का वीडियो आप तमिल का बनाते हो ओके कैमरा लकेश के अंदर है ओके नाइस आपका जाफना में घूमने जा रहे कि फैमिली है जाफना में रिलेटिव है रिलेटिव्स हैं ओके नाइस यार बहुत सारे तामिल लोग हैं फ्लाइट में इनके कजन्स रिलेटिव श्रीलंका में भी रहते हैं तो ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं और इन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि जाफना की फ़्लाइट है डायरेक्ट क्योंकि मोस्ट जो तामिल है श्रीलंका में वो जाफना में ही रहते हैं तो नाइस सीट पे पहुंच गए हैं यार भाई एयरक्राफ्ट ऐसा दिखता है कुछ अंदर से मेरा भाई पहली बार है इस एयरलाइन के साथ फर्स्ट टाइम और सीट पे पहुंच गया सीट नंबर था मेरा 15D और बाहर यार इंडिगो वगैरह की फ्लाइट है सीट बेल्ट संकेत रहने पर अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध ले टेबल ट्रे फोल्ड कर दे खिड़की के शटर खुले रखे सरकारी नियमों के अनुसार विमान में धूम्रपान एवं जो पीछे एक वो श्रीलंकन पासपोर्ट वालों की है तो इधर भाई ये सिस्टम है यहाँ पे जाफना में गजब एंड एयरपोर्ट भाई बहुत छोटा सा है और कोई फ्लाइट नहीं है यहाँ पे सिर्फ ये एक ही फ्लाइट है आप लोग देख सकते हैं बाकी कोई फ्लाइट नहीं दिखी मुझे एंड मैं आपको स्टोरी बताती हूँ थोड़ी देर में तो सही और वो गाड़ियाँ भाई बैग कैरियर के लिए पीछे आप देख सकते हैं उधर भाई जाफना एयरपोर्ट पे हैं हम और यहाँ पे लिखा है बैगेज क्लेम और इधर भाई हमें बैग मिल रहे हैं और इसके बिल्कुल बाजू में इमिग्रेशन है जनाब तो ये हैं भाई एयरपोर्ट के नज़ारे मैं बैग उठाऊँ यार पहले फिर देखते हैं वो रहा बैग मेरा इधर बड़े रेड वन थैंक यू
भाई अंदर बाय वन के लिए अंदर थैंक यू श्रीलंका में आइसक्रीम खाने की बड़ी आदत पड़ गई थी यार वैसे। ये